राम राम साहब, मैं गीता चौधरी और आज अपा बनावा राजस्थानी बेसन गवारफली री सब्जी और हाथे बनावा देसी घियाली रोटी जी। मने मन आपी स्वादिष्ट लागी और फटाफट बनन तैयार हो जाई, तो हाला बनावनी हरू करा। तो सब्जी बनाने वास्ते हेंगो पहला मैं अटे पाव एक गवारफलियाँ ले ली। गवारफलियाँ पहला धोन हकरी साफ कर ली। हम आप इन्हें आगालो एन लाड़ लो भाग जो है नी गूंड का ए तोड़ लो, नी तोड़ो तो ही चली पर थोड़ा थोड़ा तोड़ लो सही रही। नहीं अद्धा अदा कमेंट आना हरू जई के और लो था तो गूंड का तोड़ी ही कौन बिनू पहला सब्जी बनाई दी। इन वास्ते तोड़ना जरूरी है सा। बाद में इन तरीके आप गंवार फलियों ने काट ले। अगली गंवार फलियों ने आप काट एन तैयार कर ली। हम इन वास्ते मसालो बनाई ला, तो अट में 5-6 एक हरी मिर्चा ले ली। थोड़ी हरी मिर्च इन मैंने ज़्यादा नहीं कहूँ बढ़िया लागी। 1 इंच एक अदरक रो टुकड़ो है हाथ आटे एक लहसुन की कुड़िया ले ली। अगली मिक्सी रजारे में गालन अंदर दरी पीस ले। थो चाहो तो इन्हें भाटे माते कूटन बनाओ तो भी बढ़िया बनी। एक कौन तो लियो मीडियम साइज रो, इन्हें एकदम मैं बोटलो हैं। 2 टमाटर लिया है छोटे छोटे ही जे इन्हें एकदम मैं बोटलो। हो सके तो टमाटर ऊपर थोड़ो छिलको हटान इन्हें बोटो तो और ही बढ़िया लागी। कड़े लिया मैं तेल ले ला, तेल में अटे तिली रो लियो हूँ एन बिन मैं 1/2 चमचो जीरो नेक एन पचो मिर्चा अदरक एन लहसुन रो जो आप पेस्ट बनायो और नेक देवा। इन तरीके सब्जी बहुत ही बढ़िया लागे। साबुत मिर्चा नेका नहीं अपा यूँ थोड़ी थोड़ी काटन बे थोड़ी की मुंडे और मैं हली आवे। इन तरीके टेस्ट भी बढ़िया आवे एने दिखने में फूटी लागे सब्जी बिन। बाद में बोटी ओड़को कांदो नेक दे वहीं में घन कांदे ने मिर्चा ने बढ़िया हिंजन दो बिन। बाद में टमाटर नेक दे वहाँ अगली चीज़ों ने आपस में मिलाई ला। हमें इन मैं नेक दें 1 चम्मच फुल भरन लाल मिर्च रो पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी रो पाउडर, स्वाद अनुसार नमक नेक दें 1 चम्मच तो नेक ही दूँ मैं इन महीने एंड 1 चम्मच फुल भरन नेक दें धाना रो पाउडर। अगली चीज़ों ने बढ़िया मिलाई ला। आप गंवार फली री अलग अलग तरीके री सब्जी बनान तो जीमिया करो, पर एक बार इन तरीके री बेसन गंवार फली री सब्जी जरूर बनाई जो बहुत पसंद आई सब ने। तो थोड़ो पानी गाल दो 1/2 कप इन मायने हैं मसाले ने बढ़िया हिंजन दा, ढक दे इन हिंजन दा। तो 1.5 मिनट में मसाले ने बढ़िया हिंजो लियो। तो देखो तेल छोड़ दियो है एन थोड़ो बढ़िया हिंज गो है। अजय सब्जी हिंजी तो हाथ थोड़ा टमाटर भड़कौड़ा पड़ जी। हमें गंवार फली ली जो कि इन्हें 1-2 पानी धोई ली मैं और काटिया बाद में और धोई ली। साफ सफाई रो पूरा ध्यान रखना जब भी खानो बनावा आपा। वही तो अपने बारे रे खाने में घर रे खाने में इतना फर्क होया करे कि जो आप हाथों बनावा वो एकदम साफ सफाई बनाया करा और बारे तो यूं अर्जी दे के बिना धोया ना हों भैया हों। गंवार फली मसाले हाथे बढ़िया मिलाई ली है इन मैंने 1/2 गिलास पानी कूट परी ढक देन इन्हें कमो कम 3-4 मिनट तो पकावनी पड़ी गंवार फलियाँ क्योंकि कल्डी होया करे उबाली कोनी आपा। जीते आप ने बेसन हेकला अट बेसन में थोड़ो हलो इज लियो हूँ। अपन ने बिन सब्जी रे महीने में तो 5 या 6 चम्मच बेसन काम में लेनो है। छोटकियों जो को चम्मच होया करे नी जिन्हों आप खिचड़ी वगैरह खाया करा बिन चम्मचों 6 चम्मच बेसन अपन ने भी में डालनो है। बेसन हकरो सीख जा बढ़िया खुशबू आउन डूक जा जिन गैस बंद कर देनो है। अटी ने अपनी सब्जी हिंजगी है और देखो पानी गालियो जो को हेंग छुई गो इन महीने। हम इन तरीके सब्जी था जिमो तो आई ना बढ़िया लागे पण एडी तो आप ज़्यादातर जीमेज करा लेकिन आज आप बेसन वाली गंवार फली बनावा गजबी मजो अजी खाने में। तो सब्जी पूरी बढ़िया हीन जावे गंवार फलियाँ एकदम कौड़ी पड़ जावे है इन महीने ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए बिन टाइम आपने इन महीने बेसन डाल देना है। तो मैं 5-6 चम्मच बेसन डाल दी इन महीने था थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सको एडू की कोनी इन महीने। अगली चीज़ों ने बढ़िया मिलाई लेवा और वो देखो आप जी बेसन वाली मिर्चा बनाया करानी किन तरीके री वे बिन तरीके रो हो जी अपन। वो देखो दिखने में कितनी बढ़िया लग गया सब्जी तो होचो खाने में कितनी बढ़िया वाला। उपरू मैं बोटियोड़ा धाना नेक दा। इन महीने खटाई डालनी बहुत जरूरी है क्योंकि खटाई बिना इन टेस्ट बढ़िया नहीं आवेला। पर अबार आप इन महीने खटाई नहीं डाला क्योंकि मैं लोहे री कढ़ाई में बनाई हुआ सब्जी तो लोहे री कढ़ाई में खटाई नहीं डालिया करे। तो इन आप बाद में बारे निकाल जिन टाइम सर्व करा या जी मैं उन टाइम नींबू रो रस डाल देवा ऊपरू। इन्हें हाथे आप बनावा घियाली रोटी देसी गिरी या गोबाली रोटी बनिया करे जो को जिमने मना आपी टेस्टी लागिया करे।
थन घर में दादी नानी है तो बहने जरूर पूछ जो फैला टाइम में इन टरी करी यूं गोबा देन रोटी बनावता है एक परी इन पूड़ी उड़ी में फैलाई था कम ही हमजता पराठा बनाओ कहीं वह सीधी रोटी ने एक परी तवे मत इन बिन बढ़िया घी या तेल लगा परी इन बिन हाचा गोबा देऊ था बा रोटी जिमने में इतनी बढ़िया बनती नहीं चूल्हे माते तो बनावा जन और ही टेस्टी बने आ पर आप तो गैस माते बना रिया जन ठीको ठीक बन जावे। ये देखो थोड़ी एक जाडी बनावनी हट में थोड़ी एक पतली बनाई ली थोड़ी एक जाडी रोटी बनानी फच बिन बढ़िया घी लगान अलट पलटन हेकनी हैं फच इन ऊपरू हाचा गोबा देना मई तक घी जतरे हैं मई तक बढ़िया हिक जावे फच बिने जिमो एकदम आनंद आ जी हैं इनो था बढ़िया गुड़ ने कन चूरमो करन भी जिमो लानी तो भी ना भी बढ़िया लागेला। तो अपनी एक रोटी बनन तैयार है इन तरीकों आप अगली रोटियाँ बनान तैयार कर ले इन तरीके री रोटी बना बढ़िया गोबा लीन इन्हें बढ़िया पैक कर पर इन आप टाबरा टिफिन में देव तो भी ना पी बढ़िया लागी। तो लो सा आपानी सब्जी भी बनन तैयार है इन्हें सर्व कर ला और हाथे आप ली देसी गिरी गोबा ली रोटी छाछ ले ला सलाद ले ला छाछ दही बिना तो अपने राजस्थान यारो खाणो अधूरो है छाछ बिना तो भावे कौन भले हियाड़ो हुआ भले उन्नाड़ो हो हमें इन माते थोड़ो नींबू रो रस नीचो ही दा बहुत जरूरी है नींबू रो रस नीचो ना सब्जी जिम जो ना पी बढ़िया लागी यूं नी हजू थोड़ो टेस्ट कम आई नो पराठो वैसे आप घी में ज बनायो पर हल्को माते घी लगा है देखो आयो नी मुंडे में पानी